निम्नलिखित लेन देनों से रोकड़ और बट्टा कॉलम वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2016 जून एक रोकड़ शेष 18,000, जून दो राम से रोकड़ प्राप्त 3,800, उनसे बट्टा स्वीकृत किया 200, 8 जून मोहन को भुगतान किए 3,000 और बट्टा प्राप्त हुआ 500, 15 जून वेतन चुकाए 3,800, 20 जून मजदूरी दी 2,000, 25 जून बलराज से प्राप्त 4,000, उनसे बट्टा स्वीकृत 200, 30 जून व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले 2,000, 30 जून कार्यालय उपयोग के लिए निकाले 2,000। यहाँ हमको इस प्रश्न के आधार पर द्विस्तंभीय रोकड़ बही यानी कि टू कॉलम कैश बुक बनाना है, जिसमें कि अमाउंट के कॉलम के साथ साथ डिस्काउंट कॉलम की भी एंट्री यहाँ पर हमको करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट जो हमारी एंट्री है 1 जून की, उसमें कैश बैलेंस जो दिया गया है उस कैश बैलेंस की एंट्री हम यहाँ पर डेबिट साइड में कर लेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में हम इसकी एंट्री यहाँ पर कर लेंगे 1 जून को। टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 18,000 से। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि राम से रोकड़ प्राप्त और बट्टा स्वीकृत किया गया, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू राम, और कैश की एंट्री हम कैश कॉलम यानी कि अमाउंट कॉलम में करेंगे 3,800, और डिस्काउंट 200 की एंट्री हम डिस्काउंट कॉलम में करेंगे। इसके बाद 8 जून को मोहन को भुगतान किए और बट्टा प्राप्त हुआ, तो 3,000 हमने मोहन को भुगतान किया है और बट्टा मिला है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो क्योंकि कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ हम इस कैश और यही हमारा कैश अकाउंट है और यही हमारा डिस्काउंट अकाउंट है, तो इनके डेबिट साइड में क्योंकि दोनों क्रेडिट हो रहे हैं जनरल एंट्री में, तो इनके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय मोहन, और यहाँ हम कैश की एंट्री अमाउंट कॉलम में करेंगे, कैश कॉलम में करेंगे 3,000, और डिस्काउंट की एंट्री हम डिस्काउंट कॉलम में करेंगे 500। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 जून को सैलरी दी गई है, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरी 15 जून की, और इसके अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 3,800। 20 जून को एंट्री होगी यहाँ पर वेजेस पेड, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस अकाउंट के टू कैश, तो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वेजेस, और अमाउंट इसके लिखेंगे 2,000। 25 जून को क्योंकि यहाँ पर दिया गया है बलराज से प्राप्त हुए और बट्टा भी स्वीकृत किया गया है, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बलराज। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट हो रहा है, तो इस अकाउंट के कैश एंड डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बलराज, और कैश के अमाउंट जो है 4,000 वो हम कैश कॉलम में लिखेंगे, और डिस्काउंट के अमाउंट जो है वो हम डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट 30 जून को हम देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयोग पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉल किया गया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय विड्रॉल अकाउंट या बाय ड्रॉइंग अकाउंट, और अमाउंट उसके लिखेंगे हम 2,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है 30 जून का वो है कार्यालय प्रयोग के लिए निकाले, तो क्योंकि कार्यालय प्रयोग के लिए अगर हम पैसा निकालते हैं तो नॉर्मल ऑफिस एक्सपेंस से हम उसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ हम क्योंकि कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और कैश के कॉलम में क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश के कॉलम के क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे अमाउंट की 2,000 से। अब एक बात हमको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि कैश के कॉलम का हमको बैलेंस निकालना है,
लेकिन डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस हम नहीं निकालते, डिस्काउंट का जो कॉलम होता है उसका सिर्फ टोटल किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्काउंट के कॉलम को टोटल करके यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो हम डेबिट साइड में देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्काउंट का कॉलम है वो 200 + 200 यानी 400 से क्लोज हो रहा है, और क्रेडिट के साइड का जो डिस्काउंट का कॉलम है उसमें सिर्फ 500 की अमाउंट है, तो हम उसको क्लोज कर देंगे। यहाँ हम किसी भी तरह का बैलेंस प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। अब कैश अकाउंट को अगर हम देखें तो कैश अकाउंट का जो डेबिट टोटल है हमारा वो है 25,800, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो डेबिट के टोटल 25,800 में से हम क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 1,300, तो हमारा बैलेंस आएगा 13,000। तो यहाँ हम क्रेडिट साइड में 30 जून जिस दिन क्लोज हो रहा है अकाउंट उस दिन से हम इसकी एंट्री करेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन 13,000, और इसको यहीं पे हम क्लोज कर देंगे। निम्नलिखित लेन देनों को द्विस्तंभीय रोकड़ बही में लिखिए एवं यह मानते हुए कि समस्त प्राप्तियां रोकड़ और चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दी गई तथा समस्त भुगतान चेक के माध्यम से किए गए। 2016 जुलाई 1 बैंक में खाता खोला गया 37,000, 5 जुलाई नगद माल खरीदा 12,600, 8 जुलाई फर्नीचर उधार खरीदा 20,000, 9 जुलाई नगद माल बेचा 38,000, 10 जुलाई रमेश को चुकाए 9,000, 12 जुलाई नरेश से प्राप्त 60,000, 15 जुलाई दलाली के चुकाए 3,600, 16 जुलाई कमीशन प्राप्त हुए 7,800, 17 जुलाई राहुल से 900 रुपए के पूर्ण भुगतान में 860 रुपए प्राप्त किए, 18 जुलाई अनुराग को 1,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 940 रुपए दिए, 20 जुलाई वेतन चुकाए 5,000, 30 जुलाई आउटस्टैंडिंग वेजेस अदत्त वेतन 2,000, 30 जुलाई उपार्जित ब्याज एक्रूड इंटरेस्ट 10,800, 31 जुलाई मजदूरी चुकाई 2,000, 31 जुलाई गोदाम किराया चुकाया 2,500। इस प्रश्न को बनाते समय हमको जिन बातों को ध्यान में रखना है वो ये है कि एक तो ये बैंक और डिस्काउंट कॉलम का डबल एंट्री जो अकाउंट है वो बनेगा कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पहले से ही बता दिया गया है कि जो भी व्यवहार होंगे वो नगद होंगे और उनको सभी प्राप्तियां हो गई हैं ये मानकर बनाना है, और चेक जितने भी भुगतान है सारे के सारे भुगतान चेक के माध्यम से किए जाएंगे। और एक बात का विशेष ध्यान ये रखना है कि जो चेक है वो जिस दिन प्राप्त हुआ है उसी दिन बैंक में जमा हो गया है ऐसा मानकर हमको इसकी प्रविष्टि करनी है। तो यहाँ पर हम डबल कॉलम जो कैश बुक बनाएंगे उसमें दो कॉलम होंगे, एक तो डिस्काउंट का कॉलम होगा और दूसरा बैंक का कॉलम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 1 जुलाई की, और यहाँ पर क्योंकि बैंक अकाउंट एक ओपन हुआ है तो बैंक अकाउंट जब भी हम ओपन करते हैं तो बैंक में हम कुछ पैसे डालते हैं, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 मई को एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 37,000 से। हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अकाउंट है यही बैंक अकाउंट है और यही डिस्काउंट अकाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं 5 जुलाई को नगद माल खरीदा, क्योंकि हम नगद माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री जो होगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि प्रारंभ में ही बता दिया गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो बैंक के द्वारा चेक के द्वारा भुगतान किया गया है, तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये जो हमने माल खरीदा है उसमें हमको चेक पे करना है। तो क्योंकि हमारी जनरल एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 12,600 बैंक कॉलम।
नेक्स्ट पॉइंट है 8 जुलाई, फर्नीचर उधार खरीदा। क्योंकि फर्नीचर हम उधार खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी उससे किसी प्रकार का न तो कैश प्रभावित होगी न चेक प्रभावित होगा। और जब भी हम कैश बुक बनाते हैं, चाहे वो सिंपल कॉलम हो, डबल या ट्रिपल कॉलम हो, तो वहां पर हम कैश ट्रांजेक्शन की ही एंट्री कर पाते हैं। तो इस ये जो व्यवहार है 8 जुलाई का, इसकी किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि यहाँ पर नहीं की जाएगी। इसको हम इस पूरे अकाउंट को क्लोज करने के बाद फुटनोट में लिख सकते हैं कि क्योंकि 8 जुलाई का जो व्यवहार है फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट, ये उधार खरीदा गया है, इसलिए इसकी इस बुक में किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं 9 जुलाई को नगद माल बेचा। नगद माल जो बेचा है 38,000 का, हम ये मान लेंगे कि जब भी हमने माल बेचा तो हमको कैश मिला। और दूसरी चीज ये भी मानना है कि वो जो कैश है वो उसी दिन जो हमको चेक मिला है और वो जो चेक है वो उसी दिन बैंक में जमा हो गया, क्योंकि प्रश्न के प्रारंभ में ही ये जानकारी दे दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने पहले भी देखा है कि बैंक संबंधी प्रविष्टियों में कि जिस दिन चेक मिला अगर उसी दिन वो बैंक में जमा हो जाए तो हम डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और जहां से भी वो चेक मिला है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमको माल बेचने से चेक मिला है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 38,000 से। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं रमेश को चुकाए 9,000 रुपीज हमने रमेश को पे किया है। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे सारे बाय चेक ही होंगे, चेक के द्वारा होंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू बैंक। और क्योंकि टू बैंक यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रमेश और 9,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 12 जुलाई को यहाँ पर नरेश से प्राप्त हो रहे हैं तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश। और क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू नरेश और 60,000 से इसकी एंट्री हम करेंगे। 15 जुलाई की एंट्री है दलाली यानी कि ब्रोकरेज दिया, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ब्रोकरेज और अमाउंट इसके लिखेंगे हम 3,600। 16 जुलाई को कमीशन प्राप्त हो रहा है तो हमको ये मान लेना है कि बाय चेक वो प्राप्त हो रहा है और उसी दिन हमको उसको बैंक में जमा कर देना है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कमीशन और 7,800 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। अब 17 जुलाई को जो ट्रांजेक्शन है उसमें राहुल से 900 रुपए के पूर्ण भुगतान में 860 रुपए प्राप्त किए। यहाँ हमको एक शब्द पर बहुत ध्यान देना है, यहाँ लिखा गया है पूर्ण भुगतान। जब भी फुल्ली पेमेंट या पूर्ण भुगतान शब्द का प्रयोग होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस के जो अमाउंट है दोनों में उसको हमने डिस्काउंट दे दी है। तो 900 लेना था लेकिन हमने उससे लिया 860 यानी कि 40 रुपीज हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। और ये चेक से ही हम इसकी एंट्री करेंगे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब क्योंकि जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट दोनों डेबिट हो रहा है तो इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू राहुल और बैंक अकाउंट में वो अमाउंट लिखेंगे जो फाइनली हमने रिसीव किया है फुल सेटलमेंट में 860 और डिस्काउंट कॉलम में हम 40 रुपीज डिस्काउंट के अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं 18 जुलाई को अनुराग को 1,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 940 रुपए दिए। क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण भुगतान फुल सेटलमेंट की बात कही गई है यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है 1,000 माइनस 940 यानी कि 60 रुपीज जो डिफरेंस आ रहा है वो हम ये मान लेंगे कि डिस्काउंट दिया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि हम अनुराग को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी अनुराग डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। अब क्योंकि यहाँ बैंक और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक एंड डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय अनुराग
और बैंक अकाउंट में हम इसकी एंट्री करेंगे 940 और डिस्काउंट कॉलम में हम इसकी एंट्री करेंगे 60 रुपीज। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी पे की गई है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय सैलरी 5000। नेक्स्ट पॉइंट है 30 जुलाई आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब क्योंकि वेजेस आउटस्टैंडिंग है अभी भी तो इसको हम डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर जो आउटस्टैंडिंग वेजेस की अमाउंट दी गई है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय वेजेस 2000। उसके बाद हमारी एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्योंकि एक्रूड है तो यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट के लिए हम किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है। जब वो प्राप्त होगा तब हम उसको प्राप्त किया गया मानकर फिर उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो फिलहाल हमको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं करनी है। जुलाई की हमारी एंट्री यहाँ पर होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय सैलरी अकाउंट 5000 से। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 30 जुलाई को आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया गया है 2000। अब क्योंकि अभी तक वो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है, हमने भुगतान अभी तक उसका नहीं किया है तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि इस डेट पे नहीं करेंगे। इसको हम फुटनोट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 30 जुलाई को एक्रूड इंटरेस्ट। अब क्योंकि इंटरेस्ट भी अभी तक एक्रूड है, ड्यू तो हो गया है लेकिन रिसीव हम नहीं कर पाए हैं, तो जब तक हम इसको फाइनली रिसीव नहीं कर लेते हम इसको यहाँ पर बैंक अकाउंट में नहीं लिख सकते। तो इस एंट्री की भी, इस पॉइंट की भी कोई एंट्री कैश बुक में या फिर यहाँ पर बैंक कॉलम में नहीं होगी। 31 जुलाई को हम देख रहे हैं पेड वेजेस। वेजेस पे की गई है 2000 की, तो 2000 क्योंकि वेजेस है तो हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसके अकॉर्डिंग क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय वेजेस 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद गोडाउन रेंट यहाँ पर पे किया गया है तो इसकी हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी गोडाउन रेंट या फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे बाय रेंट 2500। और इसके बाद फिर हम बैलेंस निकालेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी जाना कि डिस्काउंट अकाउंट का तो कोई भी बैलेंस नहीं निकाला जाता है, जो भी उसका टोटल रहता है वो टोटल हम वहां पर लिखते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ पर निकालेंगे। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालते समय हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है 1,43,660 है, इसमें से क्रेडिट के टोटल को हम माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट का 1,08,020 रुपीज। तो इसको हम क्रेडिट साइड में 31 जुलाई को बंद करते हुए लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी यानी कैरिड डाउन, और 1,08,020 की एंट्री करेंगे। और फिर इस पूरे बैंक अकाउंट को 1,43,660 से क्लोज कर देंगे। निम्न लेन देनों को मूल रोजनामचे व सहायक बही में अभिलिखित कीजिए। 2016 फरवरी 1 सचिन को माल बेचा 5000 रुपए, कुशल ट्रेडर से माल खरीदा 2480, मनीष ट्रेडर्स को माल बेचा 2100 रुपए, सचिन से माल वापस आया 600 रुपए, कुशल ट्रेडर से माल वापस आया 280 रुपए, मुकेश को माल बेचा 3300 रुपए, कुणाल ट्रेडर से माल खरीदा 5200 रुपए, तरुण से फर्नीचर खरीदा 3200 रुपए, नरेश से माल खरीदा 4060 रुपए, कुणाल ट्रेडर्स को माल वापस किया 200 रुपए, मुकेश से माल वापस आया 250 रुपए, कीर्ति व कंपनी से 5700 के सूची मूल्य का माल खरीदा व उस पर 10% की व्यापारिक छूट पाई। 25 फरवरी श्रीचंद को 6600 रुपए का माल बेचा व उन्हें 5% की व्यापारिक छूट दी। 26 फरवरी रमेश ब्रदर्स को माल बेचा 4000 रुपए।
28 जनवरी कीर्ति व कंपनी को 1,000 रुपए घटाकर 10% व्यापारिक छूट मूल्य का माल वापस किया। 28 फरवरी रमेश चंद्र से माल वापस आया 500 रुपए। इस प्रश्न में क्रय और विक्रय के साथ साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रय वापसी और विक्रय वापसी से संबंधित भी प्रविष्टियां जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम जिन बहियों का निर्माण करेंगे उनमें महत्वपूर्ण बही होगी क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही। अलग अलग जो बहियां हैं उनमें हम उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग एंट्री करते जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम क्रय बही बनाएंगे। तो क्रय बही में के जो पॉइंट्स है उसमें हम देख रहे हैं कि 4 फरवरी का जो पॉइंट है वो क्रय बही से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रय बही में हम डेट डालेंगे 4 फरवरी और प्रविष्टि करेंगे कुशाल ट्रेडर से माल खरीदा और अमाउंट हम डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में 2480 लिख देंगे। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 फरवरी को कुणाल ट्रेडर से माल हमने खरीदा था 5,200 रुपए का। तो 14 फरवरी हम डेट डालेंगे और डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में हम 5,200 रुपए से उसकी एंट्री कर देंगे। फिर 17 फरवरी को हम देख रहे हैं कि नरेश से हमने माल खरीदा। इस पूरे प्रश्न में जो क्रय की जो प्रविष्टियां हैं उनको हम मार्क करके अलग कर लेंगे और वो सारी प्रविष्टियों को हम क्रय बही में कर लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं 17 फरवरी को नरेश से माल खरीदा 4,060 रुपए। तो इसकी हम एंट्री करेंगे नरेश से माल खरीदा और अमाउंट कॉलम में हम 4,060 की एंट्री करेंगे। फिर खरीदा की एंट्री हम देख रहे हैं कि 24 फरवरी को हुई है। 24 फरवरी को कीर्ति एंड कंपनी से 5,700 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा और क्योंकि इस पर डिस्काउंट भी है इसलिए इस अमाउंट को हम पहले इनर कॉलम यानी डिटेल कॉलम में लिख देंगे। कीर्ति एंड कंपनी से खरीदा 5,700 रुपए का माल है, 5,700 हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद हम इसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 5,700 में 10% यानी 570 ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे और अमाउंट कॉलम में इसको हम 5,130 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इस प्रश्न में परचेस से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं है तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे यहीं पे और मंथ एंड यानी 29 फरवरी को यहाँ पर हम परचेस अकाउंट का टोटल निकालेंगे जो कि 16,870 आएगा। और जैसे कि हमने वीडियो में देखा और प्रश्न में भी हम देख रहे हैं कि जब हम बहियों में एंट्री करते हैं सहायक बहियों में जब परचेस बुक या सेल्स बुक हम बनाते हैं तो ये ऐसी बुक्स होती हैं जहाँ पर हम केवल क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल की ही एंट्री करते हैं। तो जब भी हम इस तरह के प्रश्न बनाएंगे हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर बीच में कहीं पर कैश ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं यानी कैश सेल या कैश परचेस दिया हुआ है तो उसको हमको यहाँ पर परचेस बुक या सेल्स बुक में नहीं लिखना है। अब हम सेल्स बुक बनाएंगे यहाँ पर। तो सेल्स बुक को पहले इस पूरे प्रश्न में कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं सेल्स बुक से रिलेटेड उसको हम पहले पॉइंट्स कर लेंगे और उसके बाद हम सेल्स बुक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है 1 फरवरी वाला वहां पर सचिन को माल बेचा गया है। तो 1 फरवरी को हम सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे सचिन को माल बेचा 5,000 से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 6 फरवरी को मनीष ट्रेडर्स को माल बेचा है तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे, डेट डालेंगे 6 फरवरी और एंट्री करेंगे मनीष ट्रेडर्स को माल बेचा 2,100। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 फरवरी को विक्रय का एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है मुकेश को माल बेचा तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर में इसकी एंट्री कर लेंगे मुकेश को माल बेचा 3,300 क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट या कोई डिडक्शन नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको अमाउंट कॉलम में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 फरवरी को श्रीचंद को जो माल बेचा है हमने उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट है तो पहले हम इसको डिटेल्स कॉलम में जिसे हम इनर कॉलम बोलते हैं उसमें हम लिख लेंगे और उसके बाद अमाउंट यानी कि आउटर कॉलम में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे श्रीचंद को माल बेचा 6,600 डिटेल्स कॉलम में माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट 5% व्यापारिक बट्टा 6,600 का 5% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 330 और उसके बाद हम 6,600 में से 330 लेस करके फिर अमाउंट कॉलम में 6,270 से इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद 29 फरवरी यानी कि इस मंथ के एंड में जब हम परचेस बुक का टोटल करेंगे तो वो टोटल
मंथ एंड में जब हम सेल्स बुक का टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारा हो जाएगा 20,670 रुपीज। अब क्योंकि इस प्रश्न में क्रय वापसी और विक्रय वापसी से संबंधित भी कुछ प्रविष्टियां दी गई हैं, तो प्रश्न में से पहले हम विक्रय वापसी बही बनाएंगे, तो विक्रय वापसी से रिलेटेड जो पॉइंट है उनको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 फरवरी को विक्रय वापसी से रिलेटेड पॉइंट दिया गया है, 22 फरवरी को है, 28 फरवरी को है, तो इन सबको हम अलग कर लेंगे और उसके बाद इनकी प्रविष्टि हम विक्रय वापसी खाते में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 फरवरी को सचिन को माल वापस, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 7 फरवरी को सचिन से माल वापस आया, इसके प्रविष्टि हम करेंगे 600 रुपये से। 22 फरवरी को मुकेश से माल वापस आया, इस तरह से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे, मुकेश से माल वापस प्राप्त और 250 रुपये से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर 28 फरवरी को हम देख रहे हैं रमेश ब्रदर्स से माल वापस आया, तो रमेश ब्रदर्स से माल वापस आया, इस तरह से हम इसकी प्रविष्टि यहाँ पर करेंगे और 500 रुपये से इसके अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर। और मंथ एंड में यानी 29 फरवरी को जब हम इसका टोटल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि अमाउंट कॉलम में 1,350 रुपये इसका टोटल आएगा। इसी तरह से जब हम परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे यानी कि क्रय वापसी बही बनाएंगे, तो पूरे प्रश्न में हम देख लेते हैं कि क्रय वापसी कब है। 8 फरवरी को क्रय वापसी है, 20 फरवरी को क्रय वापसी है और फिर 28 फरवरी को क्रय वापसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 फरवरी की एंट्री करते हैं, कुशाल ट्रेडर्स को माल वापस किया, 280 रुपये इसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर लिखेंगे। 20 फरवरी को कुणाल ट्रेडर्स को माल वापस किया, 200 रुपये ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। और 28 फरवरी को कीर्ति एंड कंपनी को वापस किया, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो पहले हम इसको इनर कॉलम में यानी कि डिटेल कॉलम में लिखेंगे, कीर्ति एंड कंपनी को वापस किया 1,000 रुपये, और इसमें हम घटाएंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1,000 का 10% 100 रुपये, और फाइनल अमाउंट जो आती है उसको हम अमाउंट कॉलम में 900 रुपये से उसकी एंट्री करेंगे। और फिर मंथ एंड में यानी 29 फरवरी को परचेस रिटर्न अकाउंट का जो टोटल है वो हम करेंगे, तो 1,380 रुपये से ये टोटल हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रश्न में 15 जनवरी की एक ऐसी प्रविष्टि है जिसमें तरुण से फर्नीचर खरीदा गया। हमने वीडियो में देखा था कि सहायक बही के नियम के अनुसार इसमें केवल उधार माल खरीदने और उधार माल बेचने की एंट्री हम करते हैं, यहाँ पर हम नगद माल खरीदने या बेचने की कोई एंट्री नहीं करते, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के एसेट्स यानी कि संपत्ति के क्रय विक्रय की प्रविष्टि भी हम यहाँ पर कहीं भी नहीं करते हैं। तो क्योंकि 15 फरवरी को संपत्ति के क्रय के संबंध में जानकारी दी गई है, तो इसके लिए हम सहायक बही न बनाकर इसकी हम एक जनरल पोस्टिंग करेंगे, और जनरल का कॉलम बनाकर, क्योंकि हमने संपत्ति खरीदा है, फर्नीचर खरीदी है और तरुण से खरीदा है हमने, तो उसकी एक जनरल एंट्री की पोस्टिंग हम यहाँ पर कर देंगे। डेट हम डालेंगे 15 फरवरी 2016, और जनरल एंट्री क्योंकि हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेस फ्रॉम तरुण, और 3200 रुपये का ये फर्नीचर है, तो 3200 रुपये से हम इसकी एंट्री कर देंगे। निम्नांकित व्यवहारों को उचित सहायक पुस्तकों में लिखिए। 2016 जून 1 हीरा लाल को माल बेचा 500 रुपये का, जून 4 रतन लाल से माल खरीदा 400 रुपये का, थैलियों के लिए खर्च किए 10 रुपये, जून 10 रास्ते में माल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हीरा लाल ने माल वापस किया 100 रुपये का, 15 जून सुरेश को माल बेचा 1,000 रुपये, 17 जून रतन लाल ने खाली थैलियां लौटाई 10 रुपये, 20 जून सुरेश ने माल लौटाया 50 रुपये, 22 जून मोहन को माल बेचा 500 रुपये और बारदाने का मूल्य लगाया 50 रुपये, 24 जून हरीश से माल खरीदा 800 रुपये और बारदाने का मूल्य लगाया 20 रुपये, 26 जून मोहन ने बारदाने को वापस किया और माल में त्रुटि के कारण 20% की छूट मांगी जो स्वीकार की गई, 27 जून आनंदी लाल ने नगद माल खरीदा 700 रुपये, 30 जून हरीश को बारदाना वापस किया एवं माल भी लौटाया, 30 जून रतन लाल ने खरीदा 700 रुपये।
यहाँ पर हमको आवश्यक या उचित सहायक पुस्तक बनानी है और पूरे प्रश्न में हम देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक प्रभावित होती है। तो कहीं पे विक्रय के संबंध में प्रविष्टियां दी गई हैं, कहीं क्रय के संबंध में, कुछ प्रविष्टियां क्रय वापसी से संबंधित भी है और कुछ प्रविष्टियां विक्रय वापसी से संबंधित भी है। तो इनको अलग अलग करके हम चार अलग अलग पुस्तकें बनाएंगे, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रय बही किस प्रकार बनेगी और इस पूरे प्रश्न में क्रय बही से संबंधित जो पॉइंट है उनको पहले हम टिक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्रय बुक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 जून का जो पॉइंट है वो क्रय से संबंधित है, यानी कि उधार क्रय से संबंधित है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि 24 जून का जो पॉइंट है वो उधार क्रय से संबंधित है और 30 जून का जो पॉइंट है वो उधार क्रय से संबंधित है। तो यहाँ इन तीनों जो बिंदु हैं उनके आधार पर हम प्रविष्टि कर लेंगे। कॉलम हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे बना रहे थे और यहाँ पर क्योंकि किसी प्रकार के वेट और डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं दी गई है तो यहाँ हम अमाउंट और नेट अमाउंट कॉलम के आधार पर, इनवॉइस नंबर और एलएफ के आधार पर भी सहायक बही बना सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले डेट कॉलम में डेट लिखेंगे वर्ष 2016 और 4 जून को हम इसकी प्रविष्टि यहाँ पर करेंगे। रतन लाल से माल खरीदा और ये है 400 रुपये का माल था हालांकि, और थैली के लिए भी पैसे दिए हैं हमने, तो ये टोटल हो जाएगा 410। इसको हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख देंगे, रतन लाल से माल खरीदे एवं थैली के लिए भी पैसे दिए। दूसरा यहाँ पर 24 जनवरी की एंट्री हो जाएगी, हरीश से हमने माल खरीदा है तो हरीश से माल खरीदा और बारदाने का मूल्य दिया, तो 800 रुपये उसका माल है और 20 रुपये उसके बारदाने का है, तो 820 रुपये इसका टोटल मूल्य हो जाएगा। फिर 30 जून को हम देखते हैं कि रतन लाल से खरीदा है 700 रुपये का माल, तो उसकी प्रविष्टि यहाँ पर हम कर लेंगे, रतन लाल से खरीदा 700 रुपये। अब क्योंकि किसी प्रकार का डिस्काउंट बट्टा यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो डायरेक्ट हम नेट अमाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे और डायरेक्ट इसका टोटल करके हम इस अमाउंट को बंद, अकाउंट को बंद कर देंगे, तो 1930 रुपये जो है सहायक बही का टोटल आता है। अब इसी तरह से हम सेल्स बुक यानी कि विक्रय बही का निर्माण कर लेंगे। प्रश्न में हम देख लेते हैं कि विक्रय वाले कॉलम कहाँ कहाँ, विक्रय वाला पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 जून, फिर 15 जून और फिर 22 जून को उधार विक्रय से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम 1 जून की प्रविष्टि करेंगे, हीरा लाल को माल बेचा और डायरेक्ट इसकी जो अमाउंट है 500 रुपये वो हम नेट कॉलम में लिख देंगे। फिर 15 जून को हम देख रहे हैं सुरेश को माल बेचा, 1000 रुपये इसकी अमाउंट हम नेट कॉलम में लिख देंगे। और फिर 22 जून को हम देख रहे हैं कि मोहन को माल बेचा 550 रुपये और नेट अमाउंट के कॉलम में हम इसकी एंट्री कर देंगे। किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट या वैट यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया गया है तो डायरेक्ट इसकी पोस्टिंग हम नेट अमाउंट में करेंगे और यहीं पर हम इस सेल्स बुक को क्लोज कर देंगे और टोटल इसका हम निकाल लेंगे जो कि 2050 रुपीज आए थे। अब इसी प्रश्न में हम कुछ पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पर सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो इसके लिए हम अलग से एक सेल्स रिटर्न बुक बना लेंगे, विक्रय वापसी बही बना लेंगे। पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट विक्रय वापसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 जून को माल वापस किया गया है और उसके बाद 20 जून को माल वापस किया गया है और 22 जून को माल वापस हुआ है, तो इसकी हम प्रविष्टि यहाँ पर करते जाएंगे। 2016 जून 10 हीरा लाल से, हमको पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखना है, तो हीरा लाल से माल वापस आया और कारण भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर बुक में दिया गया है कारण तो उसको हमको लिखना पड़ेगा कि हीरा लाल ने माल वापस किया और कारण रास्ते में माल का क्षतिग्रस्त हो जाना और 100 रुपये इसका मूल्य था, तो उसको हम डायरेक्ट नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम 20 जून को देख रहे हैं कि सुरेश ने माल लौटाया तो इसमें कारण नहीं बताया गया है, तो उसकी उसको हम डायरेक्ट उसकी एंट्री कर देंगे, सुरेश ने माल लौटाया 50 रुपये का अमाउंट, नेट अमाउंट कॉलम में हम 50 रुपये से उसकी प्रविष्टि कर देंगे। और फिर 22 जून को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहन को जो माल बेचा गया था उसमें माल में त्रुटि के कारण उसने 20% की छूट मांगी है, तो यहाँ पर जो माल का मूल्य था
यहाँ हमने देखा कि मोहन को जो माल बेचा गया था वो 500 रुपए का था, और उस पर अगर 20% की उन्होंने छूट मांगी है, और उसका अगर हम 20% उसको छूट दे देते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपए जो है वो उसके इसका जो विक्रय मूल्य है उसमें से ही डिडक्ट हो जाएगा। तो केवल उस उतने की ही हम एंट्री यहाँ पर करेंगे, मोहन से माल वापस आया और 100 रुपए से हम उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो ये जो सेल्स रिटर्न बुक है उसका जो टोटल है वो हो जाएगा 250 रुपए। और इसी तरह से अब क्रय बुक में भी हम इसकी प्रविष्टि कर लेंगे। तो क्रय से संबंधित जो व्यवहार है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जून 17 और जून 20 को क्रय वापसी से संबंधित व्यवहार यहाँ पर दिए गए हैं। तो जून 17 को रतनलाल को वापस किया गया है माल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रतनलाल ने खाली थैलियां लौटाई, जो 10 रुपए की जो खाली थैलियां थी वो उन्होंने वापस कर दी, उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे। रतनलाल ने खाली थैलियां लौटाई और नेट अमाउंट कॉलम में हम 10 रुपए लिखेंगे। और उसके बाद 30 जून को हम देखते हैं कि हरीश को बारदाना जो था वो वापस कर दिया गया और माल भी लौटा दिया गया, कितने का? 50 रुपए का। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे हरीश को बारदाना एवं माल लौटाया गया 50 रुपए से, 50 रुपीज से, और नेट अमाउंट कॉलम में हम इसको लिखेंगे, और फिर हम टोटल 60 रुपीज से इसकी एंट्री करके इसको क्लोज कर देंगे।